आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है। राहुल का जन्म आज ही के दिन 1970 में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी दिल्ली से हुई। उसके बाद उन्होंने दून स्कूल में एडमिशन लेकर प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की और फिर बाद में हायर स्टडी के लिए विदेश चले गए। 54 वर्षीय राहुल गांधी ने अब तक शादी नहीं की। अक्सर ये सवाल उनसे पूछा भी जाता है, लेकिन आज तक उन्होंने इस पर खुलकर बात नहीं की है। हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि राजनीति के कामों में वो इतना व्यस्त हो चुके हैं कि उनके पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। आइए बात करते हैं राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री कैसे हुई। राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री साल 2004 में हुई। उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी की सीट अमेठी से पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए थे। 2009 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी लगातार दूसरी बार अमेठी से सांसद चुने गए। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भी सीट बरकरार रखी। हालांकि 2019 के चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए। इस दौरान राहुल गांधी को कांग्रेस का महासचिव भी बनाया गया। राहुल भारतीय युवा कांग्रेस की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जनवरी 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस उपाध्यक्ष बनाया गया। फिर दिसंबर 2017 में राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल ने 3 जुलाई 2019 को अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में पैदा होने के बावजूद राहुल गांधी का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने अपनी आंख के सामने परिवार के कई सदस्यों की मौत देखी है। राहुल जब 14 साल के थे तब उनकी दादी और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत हो गई थी। उसी के 7 साल बाद राहुल के पिता राजीव गांधी की भी मौत हो गई। उस वक्त राहुल की उम्र मात्र 21 साल थी। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद पार्टी को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। यह यात्रा 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक चली। इस दौरान राहुल गांधी की इमेज काफी बदली हुई नजर आई। यात्रा के दौरान राहुल गरीब से लेकर अमीर लोगों से मिलते रहे। भारत जोड़ो यात्रा के कई वीडियोस देखने को मिले, जिसमें राहुल भीषण सर्दी में भी एक टी शर्ट पहने नजर आए और साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने दाढ़ी तक नहीं बनवाई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरी। कई पार्टी के नेता जैसे शरद पवार की एनसीपी, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई विपक्षी दलों ने भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट किया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोलना भी जारी रखा। इस यात्रा में विपक्ष के कई नेताओं के अलावा कई फिल्मी हस्तियां भी शामिल हुई, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर, स्वरा भास्कर, रिया सिंह, फिल्म मेकर पूजा भट्ट समेत कई लोगों का नाम शामिल है। अब वर्तमान समय की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों सीट से जीत चुके हैं, क्योंकि उन्हें किसी एक सीट का ही चुनाव करना था, जिसमें उन्होंने रायबरेली सीट पर सांसद बने रहने का फैसला किया है। राहुल गांधी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।